इंदौर शहर के द्वारकापुरी क्षेत्र में विराजित होने वाले द्वारकापुरी के राजा 10 दिवसीय गणेशोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत चल समारोह से हुई। चल समारोह में क्षेत्र के सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। पिछले 25 सालों से क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप कुंदल के नेतृत्व में द्वारकापुरी क्षेत्र में गणेश उत्सव पर धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें क्षेत्र के रहवासी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करते आ रहे हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर क्षेत्र की जनता और रहवासियों ने गणेश प्रतिमा स्थापना के लिए बालाजी मंदिर से भव्य चल समारोह निकाला। चल समारोह में क्षेत्रीय रहवासियों के साथ साथ अखाड़ों ने भी हिस्सेदारी की और कई कलात्मक प्रदर्शन किए। आयोजन की जानकारी देते हुए कार्यक्रम आयोजक दिलीप कुंदल ने बताया कि द्वारकापुरी क्षेत्र में पिछले 25 सालों से यह आयोजन किया जाता है, जिसके लिए एक महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती है। आने वाले सालों में क्षेत्र के युवा इस कार्यक्रम को संभालेंगे। बहुत छोटे से स्तर से शुरू करा था हमने, आज से 24 साल पहले, ये 2500 वर्ष है हमारा। सभी यहाँ की जनता ने हमें मिलकर इतना सहयोग करा, आज इस भयोग इतने प्रोग्राम भयोग सामने हो रहा है हमारा। मैं सभी यहाँ की जनता को अपने ओर से बधाई देता हूँ और आगे इसी कार्यक्रम चले हमारा, इसके लिए मैं शुभकामनाएं करता हूँ। क्षेत्रीय रहवासी भवनलाल शर्मा के मुताबिक द्वारकापुरी क्षेत्र के सबसे बड़े आयोजन में 10 दिनों तक भजन संध्या, क्विज कॉन्टेस्ट और अंतिम दिन विशाल भंडार का आयोजन दिलीप कुंदल मित्र मंडल द्वारा किया जाता है। ये आयोजन लगभग 25 वर्षों से हो रहा है, तो हमारे दिलीप कुंदल जी के अगुवाई में आयोजन हर वर्ष यहाँ पे होता है। यहाँ से प्रारंभ होकर पीछे वाले गलियों से होते हुए भंडार का समापन होगा और 8-9 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे, उसमें लकी ड्रा होगा, भजन संध्या होगी, भंडारा होगा। इस प्रकार ये क्षेत्र का सबसे बड़ा आयोजन।